हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं एचटेट पीजीटी का आंसर की, जो इसका भी पेपर हुआ है 17 नवंबर को। तो आइए इसके आंसर की देखते हैं, मैथ की। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आया था, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करता है। बी इसे 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे ए और बी ने, बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो जो ए है इसका मान लेंगे कि ये एक्स दिन में समाप्त करता है, तो इसका एक एलसीएम ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 20x। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स। तो अब वो सोल्व करेंगे, 20x अपॉन में 20 प्लस x इक्वल टू कितने दिन समाप्त करते हैं दोनों मिलकर, 15 दिन समाप्त करते हैं, तो इसके बराबर रख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से इसको काट दिया, तो ये इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 60 दिन, इसका आंसर आ जाएगा 60, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके 60। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है, यदि पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई है तो दूसरे वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हुई है, तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? वही दोस्तों देखते हैं, जनसंख्या कितनी बताई हुई है, 8500। यदि पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 20% की वृद्धि, मतलब कि 100 से 120 हो गई है, 20% मतलब ये हुआ। दूसरे वर्ष इसमें 25% की हुई है, 25% मतलब 100 से 125 हो गई है। तो अब इसकी जनसंख्या कितनी होगी इस गांव की, तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे, और ये कितने के बराबर थी, ये 8500 के बराबर है, मतलब कि 85/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका, 125 गुणा में 85/100, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सोल्व करने के बाद 12750। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12750। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था, 18000 रुपए पर 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हो जाएगा, इसमें पी की वैल्यू दे रखी है 18000 रुपए, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, रेट दे रखा है 10%। अब इसमें इसका अंतर निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 18000, रेट इसकी है 10%, 10 की स्क्वायर अपॉन में इसका ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 100 से 1 को काट देंगे तो अभी 100 बच गया, इससे 100 काट देंगे, 180 रुपए इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 180। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 14500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21460 रुपये हो जाते हैं, मतलब कि 14500 कितने हो जाते हैं, 21460 रुपये हो जाते हैं 6 वर्ष के बाद, टाइम कितना दे दिया, 6 वर्ष। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है,
ये दे रखा है हमारा पी, 14,500 रुपए पी दे रखा है। टाइम दे रखा है 6 वर्ष, और ये दे रखा टोटल अमाउंट, ये कितना हो जाता है 21,460। तो हमें पता है कि जो हमारा मिश्र धन होता है वो क्या होता है, जो हमारा ब्याज होता है, जो ब्याज होता है, ब्याज वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें से वो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,460 14,500, ये इतना हमारा आ गया ब्याज। अब हमें पता है कि जो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें ब्याज की वार्षिक दर। तो हमें पता है कि जो ब्याज होता है वो कितने के बराबर होता है, पी आर टी अपॉन में 100, मतलब कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये इसके बराबर होता है ब्याज के। तो इसमें जैसे फॉर्मूले हम लगा देंगे, इसकी वैल्यू पी की वैल्यू आपके निकल जा चुकी है, पी की वैल्यू आपकी दे रखी है 14,500, और रेट हमें निकालनी है, टी हमारा दे रखा है 6। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 8%, इसका आंसर आ जाएगा 8%। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो इसमें हमें खर्च निकालना है। तो हमें पता है कि जो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि जो ये हमारा त्रिभुज होगा, तो इसमें एक भुजा दे रखी है 29, 29 मीटर, एक 20 मीटर और एक 21 मीटर। तो जैसा कि हमारे पता है कि इसका एरिया क्या होगा, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, इसकी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, और जिसकी एक भुजा दे रखी है वो हो जाएगा 21 और दूसरा है 20, क्योंकि आधार इंटू में ऊंचाई होती है, इसका जो फॉर्मूला है। तो वो सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 210 मीटर की स्क्वायर। और हमें पता है कि एक एक इस खेत पर 15 मीटर दे रखा है, तो इसे सॉल्यूशन करने पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3130 रुपए निकल जाएगा हमारा। और इसका जो आगे का सॉल्यूशन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। मतलब कि एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 दे रखी है, तो 6 खिलाड़ियों की कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है इसकी औसत, कितना हो गया। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो टोटल ये आगे 216 आ गया इसका, और ये 216 रन आ गए इसके निकल के। तो अब इसमें क्या हो गया, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, एक खिलाड़ी ने 16 रन बना दिए, तो बाकी तो शेष खिलाड़ियों की औसत क्या होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे 6 खिलाड़ी थे, तो अब 6 में से 1 का बता दिया कि 16 रन बनाए हैं, तो बाकी 5 खिलाड़ियों ने कि अब कितने रन बच गए, 16। आप इस 16 घटा दीजिए 200, अब 200 रन जो है बनाए हैं वो 5 खिलाड़ियों ने बनाए हैं, इसका मतलब इसको बटे में 5 कर देंगे। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 40, इसका आंसर आ जाएगा 40। इसका अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस तथा एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है। मतलब कि एक बस है, एक कार है, इनकी चालों का अनुपात 6 और 7 है। कार 4 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने
364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। इसका मतलब इसकी स्पीड निकल जाएगी, ये आ जाएगा 91 91 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल गई। किसकी देर किसकी निकल गई है, कार की निकल गई, ये निकल गई कार की। तो कार की हमारी दे रखी है 91, तो हमें निकालनी है बस की। तो हमें पता है इसको जब हम इक्वेट करके देखेंगे तो ये कितने पे जा रहा है, ये इसके 13 पे जा रहा है, 13 91, तो इसको भी 13 से गुणा कर देंगे, 13 6 78, इसका आंसर आ जाएगा 78। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो, मतलब कि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या है एक्स, किसी संख्या के 60% का, मतलब कि 60% 60% का 3/5, 3/5 कितना दे रखा है, 36 36 दे रखा है, तो संख्या का मान क्या होगा। इसको सॉल्यूशन, इसको सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये कट जाएगा, ये 3 पे, ये 5 पे, और ये यहां से कट जाएगा, 3 3 ये 4 पे कट गया, ये हो गया 5 5 25 हो गए 100, इसका आंसर आ जाएगा 100। ऐसे एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका योगफल 240 है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 60। तो ये दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।